कोरोना काल में विगत 10 माह में से बंद चल रहे विद्यालयों के कारण बच्चों की शिक्षा का जहां बुरा हाल है, वहीं उत्तर प्रदेश के निजी विद्यालयों में कार्यरत कई शिक्षकों का भविष्य अंधकार में हो गया है। रायबरेली स्कूल मैनेजर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष गौरव सिंह ने जिलाधिकारी रायबरेली को ज्ञापन सौंपने के बाद यह उद्गार व्यक्त किए। प्राइमरी व जूनियर कक्षाओं के संचालन तथा बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं से ऋण पर क्रय किए गए वाहनों की EMI समस्या को लेकर एसोसिएशन ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम संबोधित ज्ञापन नगर मजिस्ट्रेट युवराज सिंह को सौंपा। एसोसिएशन के संरक्षक अरविंद श्रीवास्तव एडवोकेट ने कहा कि गत 3 माह से कक्षा 9 से 12 के बच्चों को स्कूल आने की अनुमति दी गई है और यह अत्यंत हर्ष का विषय है कि उत्तर प्रदेश में कहीं भी कोई अप्रिय समाचार नहीं प्राप्त हुए हैं। उन्होंने 50% उपस्थिति के साथ एवं कोविड प्रोटोकॉल के तहत प्राइमरी व जूनियर कक्षाओं को संचालित किए जाने की मांग उत्तर प्रदेश सरकार से किया और यह भी कहा कि यदि विद्यालय नहीं खोले गए तो मान्यता प्राप्त विद्यालयों में बच्चों की संख्या के आधार पर बंद अवधि की आर्थिक क्षतिपूर्ति प्रदेश सरकार के द्वारा किया जाए। कोषाध्यक्ष शिवेंद्र श्रीवास्तव ने कहा कि वाहनों की बैंक EMI जमा करने की समय सीमा बढ़ाई जाए क्योंकि विद्यालय बंद होने के कारण स्कूल वाहनों का प्रयोग नहीं हो पा रहा है। इस मौके पर एसोसिएशन के संरक्षक अनिमेश श्रीवास्तव, प्रभात सिंह, अमित श्रीवास्तव, दीपक यादव, आलोक श्रीवास्तव, प्रभात चौधरी, संजय जायसवाल, सतीश वाजपेयी, नितिन श्रीवास्तव, जाकिर खान, अर्षित श्रीवास्तव समेत तमाम प्रबंधक मौजूद थे। 7 की डेस्क रिपोर्ट। अरविंद श्रीवास्तव एडवोकेट, संरक्षक रायबरेली स्कूल मैनेजर एसोसिएशन। आज हम लोग विद्यालयों की समस्या को लेकर माननीय जिलाधिकारी महोदय के पास ज्ञापन देने के लिए आए हैं, जो कि उत्तर प्रदेश शासन के जो माननीय मुख्यमंत्री हमारे हैं योगी जी, उनके नाम संबोधित ज्ञापन है और स्कूल की समस्या लेकर हम लोग यहाँ पर आए हैं। देखिए, विगत 12 माह से विद्यालय बंद चल रहे हैं, विशेषकर जो जूनियर सेक्शन है और जो प्राइमरी सेक्शन है, ये विद्यालय बंद चल रहे हैं 12 माह हो चुके हैं। जो भी हमारे स्कूल में टीचर्स हैं, बच्चे हैं, सभी प्रभावित हो रहे हैं। बच्चों के पेरेंट्स अब कह रहे हैं कि स्कूल खोला जाए, चाहे ऑनलाइन पढ़ाई अभी तक जैसे समझ नहीं आ रही थी उन लोगों को, तो ऑफलाइन पढ़ाई के लिए वो लोग कह रहे हैं। अभी हम लोगों ने मीटिंग की थी, उसमें ये बात आई थी। और जो क्या कहते हैं, टीचर्स हमारे यहाँ पूरे उत्तर प्रदेश में 14 लाख से ज़्यादा टीचर्स हैं जो कि प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाते हैं, वो सभी प्रभावित हो रहे हैं, इसलिए विद्यालय को खोला जाना चाहिए।